की शुरुआत करने जा रहे एक बड़ी जानकारी के साथ। उत्तर प्रदेश के बदायूं में भूख हड़ताल पर पत्रकार और रिटायर्ड एसआई का परिवार है। पीड़ित परिवार के समर्थन में अब किसान यूनियन टिकैत भी उतर आई है, तो वहीं न्याय न मिलने पर मजबूरन भूख हड़ताल पर पीड़ित परिवार बैठ चुका है। न्याय नहीं मिला, चक्कर बहुत लगाया अधिकारियों के भी, लेकिन न्याय नहीं मिला। एक महीने पहले बाग में पेड़ लगाने को लेकर सारा विवाद खड़ा हुआ था, जो कि इंचार्ज पर रिश्वत लेकर फर्जी एफआईआर दर्ज करने के आरोप है। इस्लाम नगर थाने की रुदायन चौकी के अंतर्गत एक गांव का मामला है। पुलिस पर एफआईआर में जबरदस्ती धारा 452 लगाने के आरोप लगाए गए, तो वहीं अब झगड़ा बाग में हुआ था, घर में हुआ ही नहीं, यह कहना है पीड़ित पक्ष का। बाग में पेड़ लगाने को लेकर झगड़ा हुआ था, तो वहीं दूसरे पक्ष से घूस लेकर पुलिस ने झूठी एफआईआर दर्ज की। पुलिस पर रिश्वत लेकर झूठे केस में फंसाने के गंभीर आरोप पीड़ित पक्ष की तरफ से लगाए गए हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी कई बार फरियाद लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक न्याय की कोई दरकार नहीं। तो वहीं अब न्याय के लिए कई उच्च अधिकारियों के भी चक्कर जो है वो पीड़ित परिवार लगा चुका है, लेकिन अभी तक कोई न्याय नहीं मिल पाया। पुलिस अधिकारियों के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर लगा लगा कर पीड़ित परिवार थक चुका है। न्याय की दरकार है, लेकिन फिलहाल कोई न्याय मिलने की उम्मीद जो है पीड़ित परिवार को नजर नहीं आ रही, क्योंकि कई बार चक्कर लगा चुके अधिकारियों के पुलिस पर एफआईआर दर्ज करने के आरोप लगाए गए हैं। पैसे लेकर, घूस लेकर एफआईआर दर्ज किए पुलिस वालों ने, ये आरोप लगाए गए हैं पीड़ित पक्ष की तरफ से। पीड़ित पक्ष का यह कहना है कि पुलिस ने जबरदस्ती एफआईआर दर्ज की पैसे लेकर। ग्राम रामनगर चौकपुर थाना इस्लाम नगर चौकी रुदायन धरना स्थल पर इसलिए बैठे हैं कि बाग में पेड़ लगाए जा रहे थे। उस समय हमारे चचेरे भाई से दूसरी किशनपाल ने आकर के मतलब जो है हाथापाई की, और जिसकी भी मतलब जो है गलत रिपोर्ट लिखवा करके हड्डी की हड्डी टूटी दिखाई है, और चाचा दरोगा जी पुलिस रिटायर उनका भी नाम लिखवाया है, और उनके एक लड़के का नाम लिखवाया है पवन कुमार और सुपुत्री, जबकि ये मतलब लड़ाई में नहीं थी। घटना मतलब जो है बाकी है, और वो दिखा रहे हैं घर की। तो आज यहाँ क्यों बैठे हो, किस लिए? आज यहाँ इसलिए बैठे हैं, या तो मतलब जो घटना की हमारी जांच सही हो जाए, या मतलब जो विवेचक बदल जाए, विवेचना बदली जाए। आमरण अनशन किए हुए हैं क्योंकि न्याय नहीं मिल रहा है। थाना पुलिस जो है फर्जी रिपोर्टिंग कर रही है, घटना स्थल का है, और ये थाना इस्लाम नगर का है, पुलिस चौकी रुदायन है। इनका जो मसला है तो ये हल नहीं हो पा रहा है, इसलिए आज ये भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। अच्छा, तो क्या है मामला, क्या था मामला? जो है झगड़ा हुआ था, झगड़ा बाग में हुआ, लेकिन झगड़ा घर में घुस के मारपीट दिखा रहे हैं, 452 फर्जी दिखा रहे हैं, और इन्होंने 324 पच्चीस भी बनवा ली है, जो तौर पर डॉक्टरी हुई है। इसका पुनः निरीक्षण कराना चाहते हैं, पुनः डॉक्टरी कराना चाहते हैं। इसके लिए सीएमओ साहब को एडीएम साहब प्रशासन ने लिख दी है, अभी वार्ता हुई है और इसकी जाँच चल रही है। तो हमारे साथ पीड़ित पक्ष की तरफ से विनय चौधरी जुड़ चुके हैं फोनलाइन पर। विनय जी, किस तरीके से पूरा मामला पेश आया? आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि पुलिस वाले पैसे लेकर एफआईआर दर्ज कर चुके हैं, तो आप बताइए, गलत तौर पर जांच क्यों की जा रही है? जांच अभी तक की नहीं गई है, घटना स्थल पर कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा, किसी से भी बातचीत नहीं की गई है, और फादर साहब जो कि खुद पुलिस में रहे थे उनको फंसाया जा रहा है, जबकि वो बीमार रहते हैं, हॉस्पिटलाइज है। इसके अलावा भाई जो है उसका नाम गलत तौर पर फंसाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर जब जांच अधिकारी ही नहीं पहुंचा है, और जांच अधिकारी अगर नहीं पहुंचेगा, किसी से बातचीत नहीं करेगा, अपने पास से लिख के कैसे दे सकता है? तो ये दो ही कारण समझ में आते हैं इसमें, या तो रिश्वत ली है, या फिर कोई बहुत ज्यादा प्रभाव है किसी नेता वगैरह का या पॉलिटिकल टाइप का। तो कुल मिलाकर बसंत जी यही दिक्कत आ रही है, और सभी तरह से कोशिश कर ली है, मुख्यमंत्री आवास से जाके हमने जनता दरबार में भी शिकायत की, एसपी ऑफिस में शिकायत कर दी, डीएम ऑफिस में शिकायत कर दी, लेकिन जो जांच अधिकारी है, क्योंकि इनमें जांच अधिकारी के हाथ में होता है, तो जांच अधिकारी पर घुमाया जा रहा है, मतलब कुल मिलाकर फंसाने की कोशिश की जा रही है। और एफआईआर तक में नाम आ गया उसी दिन, जबकि हमें ये बोला गया था कि कुछ नहीं है, मसला ऐसा नहीं है, निपट जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी एफआईआर कर दी गई, उसमें भी नाम डाल दिया फादर साहब का और भाई का। ठीक है, तो विनय जी बताया जा रहा है कि एफआईआर में जबरदस्ती धारा 452 भी इंक्लूड कर दी गई है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए मसला पूरा ये था कि जो झगड़ा हुआ था वो बाग पर हुआ है, बाग में झगड़ा हुआ है, दूसरा पक्ष का घर बाग के पास में ही है, करीब 300 मीटर दूर है। और बिल्कुल विनय जी लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ हरेंद्र जुड़ चुके हैं, एसएचओ हैं।
अधेंद्र जी, ये बात कही जा रही है पीड़ित पक्ष की तरफ से, देखिए पुलिस वालों ने रिश्वत लेकर या फिर किसी दबाव में एफआईआर दर्ज की है, जबकि जांच अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। तो संपर्क टूट चुका है, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश की जाएगी। तो वहीं अब पीड़ित परिवार के लोग परेशान हैं, क्योंकि दर बदर की ठोकरें खा चुके हैं, अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। न्याय की दरकार है, लेकिन न्याय की कोई आस दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि अधिकारियों की तरफ से जो रवैया अपनाया जा रहा है वो कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। क्योंकि अधिकारियों को चाहिए कि जब कोई पक्ष आता है तो उसे सुना जाए। विनय चौधरी पीड़ित पक्ष की तरफ से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनय जी, 452 धारा लगाई गई है एफआईआर में, बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, इतनी गंभीर धारा लगा दी है 452, जबकि घर में घुसकर कोई झगड़ा हुआ भी नहीं था, झगड़ा हुआ है बाघ पर, और 452 धारा, क्योंकि आप देखिए कोई ना कोई प्रभाव है, कोई ना कोई दबाव है पुलिस के ऊपर, इसी वजह से आप जो चीज है ही नहीं, जिसके लिए पूरे गांव के लोग कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, गवाही दे रहे हैं, उसके बावजूद भी 452 धारा उसमें ऐड कर दी गई है। और 452 धारा बहुत गंभीर धारा है, जिसमें अब मेरा भाई का नाम है और फादर साहब का नाम है। अब आप सोचिए कि भाई मेरा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, अगर वो क्रिमिनल किसी तरह से नाम आ गया उसका, तो उसका पूरा कैरियर खराब हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो विनय जी, किसी प्रशासनिक अधिकारी से अभी आपकी बातचीत हुई है कि इस मामले को लेकर, कि दूसरे पक्ष को लेकर आपने सुनवाई की, एक पक्ष की बात सुनी नहीं है, कोई बात हुई है प्रशासनिक अधिकारी से आपकी फिलहाल? देखिए, सबसे पहले तो हमने चौकी इंचार्ज से बात की थी, चौकी इंचार्ज साफ तौर पर मना कर गया कि आप लोगों ने झगड़ा किया है, आपने बुरी तरह से पीटा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, कोई पिटाई वाली बात नहीं थी, सिर्फ इतना हुआ था कि एक दूसरे की थोड़ी बहुत बातचीत हुई, वो भी भतीजा था मेरा, मतलब पापा जो है मेरे, उनका, मेरे चाचा का लड़का, तो वो उसके साथ गिर गया, उसके हाथ में थोड़ी सी चोट लग गई, और उसके बाद में मेडिकल इस तरह का बनवा दिया गया जिसमें ये दिखा दिया गया कि हड्डियां टूटी हुई है। तो जब अधिकारी से बात की तो वो सीधे तौर पर यही कह रहा है कि आपने मारपीट की है और घर में घुसकर मारपीट की है, तो आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। उसके बाद में मैं एसपी ऑफिस गया, एसपी से मेरी बात हुई, जो कि ओपी सिंह है, शायद आप भी उनसे बात करने की कोशिश करिए जिससे कि और ज्यादा साफ हो जाए बात। तो उनके पास भी मैं गया, उन्होंने भी सिर्फ यही बोला कि ठीक है, हम अपने लेवल से जांच करवाते हैं। लेकिन उस बात को लगभग 1.5 महीना होने को आ गया, और अब हालात ये आ गए हैं कि मेरे जो फादर हैं और ऑलरेडी 70 साल के हो चुके हैं, उनको गिरफ्तार करने के चक्कर में, और मेरे भाई को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस इधर उधर छापे मार रही है, और हम जबकि ऐसा कुछ नहीं, ना हम भाग रहे हैं जांच से, ना किसी तरह से पूरा जांच में सहयोग कर रहे हैं, लेकिन जब आप चीजें गलत लगा रहे हो, धाराएं गलत लगा रहे हो, तो हम कैसे फिर आपका सहयोग करें? आपके आप कह रहे हो कि यहाँ साइन कर दीजिए, वहां साइन कर दीजिए, हमें ये नहीं बताया जा रहा कि कहाँ साइन करें। तो कुल मिलाकर पूरी मिली भगत है, और इतना प्रेशर डाला गया है दूसरी तरफ से कि फंसाने के पूरे काम हो रहे हैं, और हर तरह से कोशिश कर ली है, मतलब जनता दरबार, डीजीपी ऑफिस, इसके अलावा एसपी ऑफिस, उसके नीचे अभी जो आप हरिंदर जी से बात करने की कोशिश कर रहे थे, एसएचओ है वो, उन्होंने भी साफ तौर पर मना कर दिया, उन्होंने ही आश्वासन दिया था कि आपके खिलाफ कुछ नहीं होगा, परेशान मत होइए, छोटा सा मैटर है, कुछ नहीं होना इससे। और 3-4 दिन बाद हमें पता लगता है कि हमारे खिलाफ एफआईआर हो गई। तो कुल मिलाकर ये है कि शुरुआत से लेकर अब तक कोई भी सहयोग नहीं मिला पुलिस की तरफ से, बल्कि जो दबाव बनाया जा रहा है पुलिस के ऊपर, या चाहे वो पैसों का दबाव हो या फिर किसी भी तरह से स्थानीय पॉलिटिकल दबाव हो, उसमें यही हो रहा है कि फंसाने की पूरी कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर अभी तक मतलब कोई भी सहयोग मिला नहीं। बिल्कुल विनय जी, लगातार चौकी इंचार्ज के साथ संपर्क करने का प्रयास हम कर रहे हैं, लेकिन फोन उनकी तरफ से उठाया नहीं जा रहा। ऐसे में बताया जा रहा है आपकी तरफ से कि जो पूरा मामला हुआ वो बाग में हुआ, घर में तो कोई झगड़ा हुआ ही नहीं है, बल्कि दूसरा पक्ष कह रहा है कि घर में घुस के मारपीट हुई है। देखिए, मसला ऐसा था कि बाग जो हमारा है वहां पर बहुत पुराना बाग है, तो वो पुराने बाग में कुछ पेड़ गिर गए थे, क्योंकि बिल्कुल मेड़ के सहारे होते हैं, गांव के मसले आप बेहतर समझते होंगे, तो मेड़ पर जब पेड़ लगा रहे थे, तो दूसरा पक्ष जो है, जबकि उसका खेत भी काफी दूर है, उसने इस पर ऑब्जेक्शन उठाना शुरू किया, ऑब्जेक्शन उठाया उसने, उसके बाद में दुर्व्यवहार किया, तो फिर वहां से बात आगे बढ़ गई थी, वो बात आगे बढ़ी, उसके बाद में घर का कोई मसला ही नहीं है, मतलब घर में घुसकर मारपीट वाली कोई बात नहीं थी, और उसी में उन्होंने अब जो भी पैसे का दबाव डाला है या फिर क्या किया है मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं आ रहा कि 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीने से आप ये नहीं एक बार भी वहां पर जाकर, गाँव में जाकर, घटना स्थल पर जाकर जांच नहीं कर रहे हैं, आप ये कोशिश नहीं कर रहे हैं कि उसका सच निकाला जाए। एफआईआर के बाद आपको आगे जांच रिपोर्ट भेजनी है, तो उसमें आपको पता भी चले कि आपने क्या जांच की है, कुल मिलाकर क्लियर तो हो चीजें, लेकिन वो कोशिश नहीं की जा रही, क्योंकि सीधी सी बात है कि आपको फंसाना है दो लोगों को, और उन लोगों को फंसाना है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यूपी पुलिस की तरफ से खुले तौर पर, और खासतौर पर बदायूं जिले में ये पहली बार नहीं हो रहा है, बहुत बार ऐसा हो चुका है,
और अब आप सोचिए कि मैं पिछले लगभग डेढ़ महीने से इधर उधर भाग रहा हूँ, पूरी कोशिशें कर ली मैंने, लेकिन बावजूद उसके अभी तक कोई भी चीज साफ नहीं हो पाई है। बस कुल मिलाकर उसी बात पर चौकी इंचार्ज भी अड़े हुए हैं जो जांच अधिकारी हैं, और इसके अलावा SHO भी कि ये जो है 452 है और 452 हम हटाएंगे नहीं, क्योंकि घर में घुसकर आपने मारपीट की, और 452 जैसी गंभीर धारा जिसमें की बेल मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ये पूरा मसला है और बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है सर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विनय जी जुड़ने के लिए, आपकी बात आगे तक पहुंचाने का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो वहीं आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि पीड़ित पक्ष कितना परेशान है। अपनी बात रखी गई विनय चौधरी की तरफ से, हालांकि पहले पुलिस की तरफ से तो ये कहा गया कि कोई बड़ा मैटर नहीं है, लेकिन उसके बाद FIR दर्ज कर दी जाती है। पिताजी को फंसाने का प्रयास किया जाता है, भाई का नाम FIR में दर्ज किया जाता है, बल्कि उनके जो भाई हैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में FIR में नाम आना किसी के करियर को पूरी तरीके से दांव पर लगाने के बराबर है। अब ऐसे में पुलिस वाले किस दबाव में काम कर रहे हैं, या फिर क्या रिश्वत ली गई है, यह बड़ा सवाल है, पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल खड़े करता है।